स्वागत है आपका ससी के किचन में। आइए आज हम बनाते हैं बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी बनाने के लिए हमने ये 250 ग्राम बाजरे का आटा लिया हुआ है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा अजवाइन, हरा धनिया, थोड़ा सा चाट मसाला और ये 4 बड़े साइज के हमने आलू लिए हैं, इनको हम प्रेस करके इसमें डालेंगे। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और लेंगे थोड़ा सा गरम पानी और गरम पानी डालकर इस तरीके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको सान लेंगे। इस तरीके थोड़ा थोड़ा आटा अलग करके हम थोड़ा थोड़ा करके मस लेंगे इसको। इस तरीके से इसको अच्छे से मसल लेंगे ताकि रोटियां हमारी फटे नहीं। ये देखिए इस तरीके हमने ये मुलायम सा आटा लगा लिया है, ये बहुत गाढ़ा नहीं है और ना ही बहुत गीला है। ये देखिए अब हम इसकी इस तरीके छोटी छोटी लोई लेंगे और हाथ से इस तरीके इसको बड़ा कर लेंगे। अगर आपसे हो सके तो इस तरह की हथेलियों की मदद से इसको बड़ा करें, अगर नहीं हो सकता तो इस तरीके इसको कर सकते हैं आप। ये छोटी छोटी टिक्की की तरीके इसको बना सकते हैं और तवे में डाल सकते हैं। और इस तरीके पलट कर आप इसको तेल लगा ऑयल लगाकर पराठा की तरीके भी सेक सकते हैं, आप रोटी की तरीके सेक सकते हैं इसको, रोटी की तरीके सेक लीजिए और फिर घी लगा के खाइए तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। आप अगर पराठा भी सेकते हैं तो इसको घी से ही सेकेंगे तो जो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, नहीं सेकते हैं तो रोटी की तरीके भी सेक कर अलग से घी लगा कर इसको खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसको इस तरीके लो फ्लेम पर ही पकाएंगे तभी ये पक पाएगी। देखिए इसमें इस तरीके देसी घी भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये इसको इस तरीके मैंने हाथ से इस तरीके बड़ा करके पतला किया है, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप इस तरीके उंगलियों की मदद से भी बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके पलटते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इनको पकाएंगे तभी ये अच्छे से पक पाएंगे।
आप इनको लोहे के तवे में भी पका सकते हैं, इसमें भी पका सकते हैं, नॉन स्टिक में भी। इस तरीके धीरे धीरे पलटते हुए इनको सेकेंगे, इस तरीके दबा दबा के। सर्दियों में बाजरे का आटा बहुत ही फायदेमंद होता है। आजकल भाग दौड़ भरी लाइफ में गेहूं और चावल के सिवा और कोई अनाज कोई खान नहीं खाता है, लेकिन इस तरीके सारी चीज़ें खाना चाहिए, उसी से हमारा शरीर सही रहेगा। सर्दियों में मक्का और बाजरा इस ये सब अनाज भी खाना प्रयोग करना चाहिए। देखिए सीख चुकी हमारी है मक्के के बाजरे के आटे के पराठे, बाजरे और आलू के पराठे। इसको आप रोटी के तरीके भी सेक सकते हैं, इस तरीके भी सेक सकते हैं। ये देखिए इस तरीके लो फ्लेम पर इनको सेक लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्री में सब्सक्राइब कीजिए शशि का किचन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।